बीजेपी के ऑफिस में क्या माहौल है, क्या कार्यकर्ता सोच रहे हैं, क्या कुछ वहां शाम को होने वाला है, सीधे जानने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारी संवाददाता मौसमी सिंह के पास। मौसमी बताइए प्लीज। जी सईद, आपको बता दें कि कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, तो आज भाजपा नेताओं के बोल और कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है और आप देखिए आज तक का भी परचम लहरा रहा है। भाजपा दफ्तर हो या कोई भी पार्टी का दफ्तर, चुनाव मतलब आज तक, और भाजपा के दफ्तर में कुछ इस तरह से चैनल देखा जा रहा है हमारा और कुछ इस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। किन्नर समाज के तमाम जो कार्यकर्ता है, सोनम आप देखिए जो कि पहली राज्य मंत्री है किन्नर समाज से, वो यहाँ पे है और काफी खुश है यहाँ पे कि आज कुछ इस तरह से उनको भारी जीत मिली है। ये गुलाल से खेली जा रही है होली और लगता है ये होली का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। सोनम जी बताइए, ये सबका साथ सबका विकास, क्या ये मान ले सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास भी था? यूपी में पूर्ण बहुमत से हमारी योगी जी ने मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता योगी आदित्यनाथ जी का परिवार है और हमारे मोदी जी राम हैं तो योगी जी लक्ष्मण हैं और विपक्षी धाराशाही हो गए। और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार, योगी जी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, एक गाना आपने कहा था, एक गाना आप लोग गा रहे थे और जो आपने विरोधियों के लिए गा दी। और हमारे सुनील बंसल जी चाणक्य हैं, उनके देन से 25 हमारे करोड़ों कार्यकर्ता ने मेहनत किए हैं और सुनील बंसल जी के लिए हम लोग सभी किन्नर प्रार्थना करते हैं। ऐसे चाणक्य नेता होने के नाते योगी जी और सुनील बंसल जी के मेहनत से आज हमारी सरकार बनी है। अच्छा सोनम जी, एक गाना आपने विरोधियों के लिए भी गाए, गा रहे थे गुड्डन के लिए। जितने भी हम लोग मौसमी बहुत धन्यवाद, आते हैं दोबारा आपके पास। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं।